नमस्कार, आपके साथ सुरभि और पंकज हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग रिकॉर्ड 2.14 लाख मेगावाट के करीब पहुंच गई है। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कम 16 राज्यों में 2 से लेकर 10 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। लेकिन पावर पॉलिटिक्स में कोई कमी नहीं है। केंद्र वर्सेस राज्य पर हंगामा हो रहा है, तो बिजली पर हिंदू मुसलमान भी अब हो रहा है। कोई केंद्र को कोस रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेंटर भाग नहीं सकता। तो किसी को केंद्र की प्लानिंग में खोट नजर आ रही है। जैसे कोविड की कोई प्लानिंग नहीं थी, अब कोयला बिजली की कोई प्लानिंग नहीं है। तो इन जनाब को बिजली संकट में भी हिंदू मुसलमान नजर आने लगा है। और इत्यारी के वक्त में कट। तो कोई राज्य सरकारों पर कोयले के बकाया का ठीकरा फोड़ रहा है। झारखंड सरकार हो, चाहे वो बंगाल सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने अभी तक अपने बकाया पूरे नहीं दिए हैं। सभी अपने अपने सियासी चश्मे से तस्वीर एक ही देख रहे हैं, बस उसका आकलन अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मतलब देश में बिजली संकट है और देश के कई राज्यों में बिजली कट हो रहा है। 8-8, 10-10 घंटे के यहाँ कट लग रहे हैं। कोयले की किल्लत या फिर प्लानिंग में कमी, लेकिन एक बात तो साफ है कि देश के कई राज्यों में बीते 15 दिनों से बिजली संकट गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 16 राज्यों की सरकारों ने 2 घंटे से 10 घंटे तक बिजली कटौती शुरू कर दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मांग के मुताबिक कोयला नहीं मिल पा रहा है और अब कोयले की काल कोठरी में सब एक दूसरे को कालिक पोत कर खुद को रोशन करना चाहते हैं। आज पूरा प्रदेश झेल रहा है बिजली कोयला संकट। हमारा किसान पीड़ित है, हमारे व्यापारी पीड़ित है, हमारे छात्र पीड़ित है। ये इसकी जड़ है जो इन्होंने पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार किया है कि कोई सौदा नहीं हो सकता कोयले का बिना पैसे दिए हुए। ये आज चिंता का विषय है। और ये आज कहना कि ये इसको मजाक पे लेना, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी से मजाक पे ले रही है। ये स्थिति अभी नहीं उत्पन्न हुई, 2-3 महीने से सामने आ रही थी। ये तो कोई ऐसी अचानक बात तो आई नहीं, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, भूकंप नहीं आया। तो कौन से में मना कर रही थी सरकार की, इस तरीके का संकट नहीं है, हमेशा ये इनकार कर रही थी। और इसकी कोई प्लानिंग नहीं, जैसे कोविड की कोई प्लानिंग नहीं थी, अब कोयला बिजली की कोई प्लानिंग नहीं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कोयले की कालिक शिवराज सिंह चौहान पर पोतने की कोशिश की, तो दिल्ली में बैठकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल केजरीवाल पर फोड़ दिया। उस केजरीवाल को जिनके राज में दिल्ली वालों को बिजली 200 यूनिट फ्री मिलती है, 300 यूनिट फ्री मिलती है। कैलाश विजयवर्गीय ने 28 अप्रैल को ट्वीट किया, सहारा क्रिकेट मैच का लिया, तंज केजरीवाल पर किया। देश में फ्री बिजली वाला अनोखा प्लान केजरीवाल ही लाए थे, जिसको कई राज्यों ने अडॉप्ट भी किया। अब बिजली संकट गहराया है तो आम आदमी पार्टी के नेता फिर से केंद्र और राज्य वाला चेस खेलने में लग गए हैं। बिजली किल्लत का सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया है। राज्य सरकारें अपना काम करें, जो कर भी रही हैं, लेकिन केंद्र को एक हाथ मदद का बढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेंटर भाग नहीं सकता। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से करता है, लेकिन इस समय ज्यादातर प्लांट्स बढ़ती हुई बिजली की मांग और कोयले की कमी की वजह से कम बिजली सप्लाई कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में करीब 21.6 करोड़ यूनिट्स की मांग है, जबकि 4.5 यूनिट की कमी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 28.9 करोड़ यूनिट की जरूरत है, जबकि वहां 3.8 करोड़ यूनिट की कमी है। राजस्थान में 182.4 करोड़ यूनिट की मांग है, जबकि कमी 19.3 करोड़ यूनिट की हो रही है। हरियाणा में 18.9 करोड़ यूनिट की मांग है, लेकिन 9.05 करोड़ यूनिट की किल्लत हो रही है।
उत्तराखंड में 29 करोड़ यूनिट की जरूरत है, वहां 2.38 करोड़ यूनिट की कमी हो रही है। बिहार में 79.8 करोड़ यूनिट की मांग है, जबकि 3.02 करोड़ यूनिट की किल्लत हो रही है। देश के कई राज्यों में बिजली कटौती हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर अटैक किया और दावा किया कि उन्होंने पहले ही केंद्र सरकार को बिजली संकट पर चेताया था, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। और अब राहुल की इस भविष्यवाणी पर कोयला मंत्री ने पलटवार किया। He is not only fake astrologer, fake Gandhi and fake astrologer. Let him, he says for every problem, whenever there is some issue, he says that I had predicted it early, I had written it early. And if he is so good astrologer, let him predict about his party first. Let him try to predict his party future, his leadership about his future, then let him tell. And I already said, in UPA's 10 years, after 10 years rule, their supply was 566 million tons. Today we are supplying 818 million tons. केंद्रीय कोयला मंत्री ने राहुल गांधी का जवाब दिया तो मोर्चा कांग्रेस के दिग्गज कपिल सिब्बल ने संभाला और वक्त के पहिए को पूरा घुमा दिया और कोयले की किल्लत की ABCD समझाने की कोशिश की। बुनियाद जो है इस क्राइसिस की, ये आज की नहीं है, ये तब की है जब आपको याद होगा कि बीजेपी ने और CAG ने एक रिपोर्ट दी थी के कोल ब्लॉक्स गलत तरीके से दिए गए, आपको याद होगा, और 1,85,000 करोड़ का नुकसान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किया। कोर्ट ने भी बात मान ली, सारे कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए, जो कोल ब्लॉक अलॉटेड थे लोगों को सब कैंसिल हो गए। फिर इनके अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कहा कि सारे कोल ब्लॉक अब दोबारा हम इसको ऑक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर वो कोल ब्लॉक्स कायम रहते तो आज के दिन वो कोल की कमी भी नहीं होती। दिक्कत ये हुई कि वो जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए, वो जो ऑक्शन का प्रोसेस था दोबारा उसकी नीलामी करने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज के दिन कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी कोल ब्लॉक लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि ऑक्शन की वजह से कोल ब्लॉक की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि जो मुनाफा होना चाहिए वो होता नहीं, तो वे ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कपिल सिब्बल की दलील कुछ भी हो, लेकिन इस संकट की एक और प्रमुख वजह यह है कि कई राज्यों ने कोल इंडिया को जरूरत से एक महीने पहले कोयले की मांग ही नहीं भेजी, साथ ही कई राज्यों ने निर्धारित समय पर कोयले का उठाव भी नहीं किया। गर्मी बढ़ने से बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी और कोयला कम पड़ने लगा और अचानक बिजली संकट खड़ा हो गया। और अब उमर अब्दुल्ला जैसे नेता बिजली संकट पर सहरी और इख्तियारी ढूंढ रहे हैं। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार पीक पे है, इस तरह का बिजली का हाल हमने इससे पहले शायद ही ना देखा, और खासकर इस महीने में, रमजान के पाक महीने में, जबकि हम मतलब हर किसी हुकूमत की कोशिश रहती थी कि इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त में बिजली की कट ना हो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, या तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला की बात छोड़ देते हैं और अब बात करते हैं उस जड़ की जहां से बिजली संकट पैदा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली उत्पादक और बिजली वितरण कंपनियों का एक दूसरे पर करीब 1,05,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें कई राज्य शामिल हैं। कोयला खनन कंपनियों से लेकर बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट और बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों तक हर कोई बकाया भुगतान नहीं होने से जूझ रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की बिजली उत्पादन कंपनी महागेनको का है कोल इंडिया पर 2608.07 करोड़ रुपए का बकाया है। पश्चिम बंगाल की WBPDCL पर 1066 करोड़ रुपए, झारखंड की TVNL पर 1018.22 करोड़ रुपए, तमिलनाडु की टैन गेडको पर 823.92 करोड़ रुपए, तो वहीं मध्य प्रदेश की MPPGCL पर 531.42 करोड़ रुपए का बकाया है।
केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी नेता भी दावा कर रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है, बल्कि इस बिजली किल्लत में मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 27% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। कोल डिस्पैच जो है वो 5.8% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। आज अगर आप देखें तो पूरे देश में थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोल स्टॉक 21 मिलियन टन से ज़्यादा है। अगर आप देखें कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के पास भी 73 मिलियन टन कोल पड़ा है। कोल साइडिंग्स और पोर्ट में भी कोल का स्टॉक उपलब्ध है लगभग 6.7 मिलियन टन का। अप्रैल का महीना खत्म होने को है, मई जून की गर्मी अभी झुलसाने को है, ऐसे में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। कोयला की सप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। 24 मई तक 670 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे ने कोयला लदी मालगाड़ियों की औसत संख्या भी बढ़ा दी है। अब रोजाना 400 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वक्त रहते राज्य सरकारें नहीं जागेंगी तो बिजली गुल होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।